मैं जानता हूँ तेरी परीक्षाएं हुई हैं, मैं जानता हूँ कि तुझे अकेला रखा गया है, मैं जानता हूँ तूने अपने बिच्छूनों को अपने आंसुओं से भिगोया है। तेरे आंसू मैंने जाने हैं, मैंने देखे हैं, तेरे आंसू को मैंने सुना है जिसमें चिल्लाहट है, मैंने तेरे टूटे पिसे मन को देखा है। मैं जानता हूँ तुझे सताया गया है, तुझे दुख दिया गया है, तुझे अकेला त्यागा गया है, छोड़ा गया है, तुझे दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंका है, तुझे इस्तेमाल किया गया है। मैं जानता हूँ अपने काम के लिए लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया और जब जरूरत पूरी हो गई तो उन्होंने तुझे त्याग दिया। मैं जानता हूँ तेरा अकेलेपन जो तुझे सताता है, जो तुझे खाता है, वो भी मैं जानता हूँ। तेरी परिस्थितियाँ जो तेरे फेवर में नहीं है, तेरा तन मन धन किसी भी चीज़ में तुझे कोई संतुष्टि, तुझे कोई हैप्पीनेस, कोई आनंद, तुझे शांति नहीं है, किसी प्रकार का तुझे चैन नहीं मिला, बहुत लंबा समय हो गया है तुझे हंसे में, मैं ये भी जानता हूँ। मुझे पता है कि तेरे अपनों ने तुझ पर उंगलियाँ उठाई हैं, तुझे सताया है, तुझ पर दोष लगाए हैं और वो तुझे कहीं ना कहीं मुझे दूर करने की राह रखते हैं, चाह रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन तुझे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकेगा। मृत्यु भी तुझे मुझसे जुदा ना कर पाएगी, लेकिन तेरा चुनाव अच्छा हो। मैं जानता हूँ कि तेरी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में जैसे मूसा के समय में फिरौन का मन मैंने कठोर किया था, तेरी जिंदगियों में जो भी लोग हैं, अगर कोई फिरौन है तो उसको इसलिए रखा गया कि तेरे अंदर के खोट को निकाला जाए। वो घटिया तेरे पति, तेरी फैमिली, तेरे रिलेशनशिप, तेरे रिलेटिव्स, तेरे घराने, तेरे परिवार, तेरे दोस्त, तेरे मित्र, तेरा अकेलापन, कहीं ना कहीं जो भी तेरी जिंदगी में सताव है, वो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मन फेरा, पश्चाताप कर, अपनी जुबान की चौकसी कर, नम्र हो, क्योंकि मैं तुझे नम्र बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे दुख की भट्टी में परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। मुझे पता है कि तेरी क्या ज़रूरत है, मुझे पता है कि तुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि तेरे लिए क्या बेस्ट होगा, क्या तुझे कब किस तरीके से देना है, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ क्या उसको सीखने के लिए तैयार है, जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ क्या तू वो देखने के लिए तैयार है, जहाँ मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ क्या उसके लिए तैयार है, जो मैं तुझसे कहता हूँ क्या उसको सुनने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार है। मैं जानता हूँ तूने बहुत सी बातों में हाँ कही है, मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातें करना तो चाहती है, करना चाहता है तू, लेकिन कर नहीं पाता। मुझे ये भी पता है कि तेरे दिल में मेरे लिए बहुत भूख और प्यास है, बहुत कुछ करना तो चाहता है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन तेरी परिस्थिति तुझे तोड़ देती है। वो सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, उन सब बातों के द्वारा मैं तुझे संयम, नम्र और दीन करना सिखा रहा हूँ, तुझे धीरज धरना सिखा रहा हूँ, चुप लगाना सिखा रहा हूँ, माफ करने वाली बातें तेरे अंदर उत्पन्न हो तुरंत क्षमा कर। मैं जानता हूँ तेरे लोगों को जो तुझे सताते हैं, मैं जानता हूँ उन बातों को जो तुझे तोड़ती हैं, तो जो तुझे किसी ना किसी प्रकार से अकेला करती हैं, मैं जानता हूँ उन बातों को जो तुझे तोड़ती हैं, जो तुझे अकेला कर देती हैं, सबको सब कुछ होने के बाद भी, तेरी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं तुझे अकेलापन खाया जाता है, कोई सपोर्ट नहीं आता है, कोई हेल्प नहीं आती, कोई मदद नहीं आती है, कोई समझ नहीं पाता है, अपना खून का रिश्तेदार तेरे नज़दीक नहीं आता है, द्वार बंद करके चला जाता है और तू मेरे सामने आंसू बहाता है, वो मैं जानता हूँ, सब मुझे पता है। मैंने कहा है ना, खटखटाएगी तो खोला जाएगा, जब तू खोलेगा ना, देख मैं द्वार खोलूँगा, उड़ाऊ के समान मैं अपनी बाहों को फैला कर रखूँगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मुझे पता है कि तू मेरे पास आएगा, लेकिन तू मनुष्य की ओर मत ताक, इन परिस्थितियों में मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, नम्र बनाना चाहता हूँ, दीन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो तेरे हानि के लिए नहीं है, उसमें तेरा लाभ है और अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूँगा। मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक सही समय ठहराया गया है। अभी जो जिम्मेदारी, जो चीज़ तेरी ज़िंदगी में है, उनको तो हैंडल कर, उनमें अपने आप को पवित्र कर, हर बात में मेरी महिमा को प्रकट कर, नम्र बन, चुप लगा, दीन बन और प्रभु के गुणों को प्रकट कर, वचन के अनुसार चल, नम्र बन। मैं जानता हूँ तू करना चाहती है, तू करना चाहता है, लेकिन बहुत बार गिर जाने के द्वारा तेरा ही आप और विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, टूट जाता है, बहुत बार तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले, मैं जानता हूँ, बहुत बार तूने चिल्लाया, खिड़खिड़ाया, बहुत बार तूने उपवास रखे,
ये भी मैं जानता हूँ। तेरी ज़िंदगी में छुटकारे नहीं हुए, तूने सुना बहुत कुछ, करने की बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन तेरी ज़िंदगी में छुटकारे नज़र नहीं आए। उन सब बातों में मेरी महिमा छुपी है, इसलिए मेरे और तेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप और मुझे तेरी ज़िंदगी में काम करने दे। जब मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूं तो थोड़ा सताव होता है, थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वचन को सीखने के कारण सताव आता है। घर में, परिवार में, लोगों में, संसार में तुझे सताव होता है, तुझे कलेश होता है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं कहता हूँ अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा, मैं तुझे उठाता हूँ। मुझे पता है कि तू धर्मी है, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है और मेरा लहू तेरे लिए बहा है और तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है। तो मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं तेरे आंसू की सुध लूंगा, तेरे आंखों से सब आंसू पोछ डालूंगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी, टूटा और पिसा मन तेरा चंगा किया जाएगा, तेरी जिंदगी के हर संघर्ष को मैं खत्म कर दूंगा। तेरी ज़िंदगी में उन आशीषों को नदी के समान बहा दूंगा जो तेरी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए एक सही समय रखा है। मुझे तेरी ज़िंदगी में काम करने दे, मैं तुझे परख कर जान लूँ कि तेरी ज़िंदगी में, मेरे प्रति, मेरे मन में, तेरे विषय में क्या है। मैं जानना चाहता हूँ उन दुख की घड़ियों में तू मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं जानना चाहता हूँ उस सताव में तू मेरे बारे में क्या सोचता है, उस घटियों में तू मेरे बारे में क्या विचार रखती है। मैं जानना चाहता हूँ उन विरोध के टाइम में, उन विपत्तियों के टाइम में तेरे मन में मेरे प्रति क्या विचार आता है, क्या छोड़ने का, या दूर होने का, या प्रार्थना से हटने का, या मेरे वचन से दूर होने का, या हाथ उठाने का, या उंगली उठाने का, या दोष लगाने का, या किसी से लड़ने का। मैं तेरे अंदर के खमीरों को निकाल रहा हूँ, कुटकुड़ाने वाली बातें तेरी ज़िंदगी से दूर हों। जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसको तू सीख और चल, नम्र बन। मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। देख, तेरा कर्ता जिसने तुझे बनाया है वो ही तेरा पिता और पति है, परमेश्वर है। वो तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, छुड़ाऊँगा, तुझे बरकत दूंगा। हर चीज़ का एक सही समय रखा है। अपने जीवन में मेरे को काम करने दे, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चुप लगा, नम्र बन। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उस बात पर ध्यान लगा, मेरी सुन, जिसके कारण तू निडर और बेखटके सुख से रहे और हियाब तेरा मजबूत हो। मेरी बात को सुन और ध्यान लगा, मेरी उपस्थिति में बैठ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि तुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये भी पता है तूने अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पल बिताए। मुझे ये भी पता है तूने अकेले में खाते, पीते, बैठे, नहाते, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तेरी आंखों से आंसू बहे हैं, वो मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मुझे पता है काम करते करते तेरा दिल अंदर से रोया है। बहुत बार इतना दिल दुखा है कि तू वो बात किसी को बता नहीं सका है, किसी को बता नहीं सकी, वो अंदर ही रह गई है। लेकिन मैं तेरे मनों को जांचता हूँ। मुझे पता है कि क्या बोझ तेरी ज़िंदगी में है, क्या जिम्मेदारियाँ तुझ पर हैं, कैसे तुझे हैंडल करना है। कठिन है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बातें तेरे सिखाने के लिए। जब तक सोना तपाया नहीं जाता तब तक उसके अंदर से खोट नहीं निकलता, और जब खोट निकलता तो उसकी कीमत पड़ती है। पानी को दाखरस बनाने में समय लगा, एक बार में नहीं हो गया, और जब वो दाखरस बन गया उसकी कीमत बढ़ गई। तो मैं चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी में वो बड़े मुकाम, बड़े काम, बड़ी महिमा नज़र आए, तो उसके लिए ये जो थोड़ा सा सताव है, थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे दृढ़ करूँगा, स्थिर करूँगा, पवित्र करूँगा और बलवंत करूँगा, और मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूँगा और तेरी महिमा करूँगा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ समय बिता, वफादार रह। मैं जानता हूँ जब तेरे ऊपर सताव आता है, विरोध आता है, जब तेरे ऊपर दोष लगाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, बुराइयां की जाती हैं, उस समय तुझसे नहीं सहा जाता है, वो तेरी परीक्षा की घड़ी होती है। स्वर्गदूत तेरी ओर झुककर देखते हैं कि तेरा चुनाव और तेरे शब्द क्या होंगे। तू शैतान को शर्मिंदा कर और मुझे प्रसन्न कर।
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं त्यागा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया है। मैं तेरी आज भी सुनता हूँ, चाहे भले ही तुझे उत्तर नहीं मिल सके हैं, लेकिन राइट टाइम उनका रखा है वो सब बातें तेरे सिखलाने के लिए। कुछ बातें मैं तेरी ज़िंदगी में होने देता हूँ ताकि मैं तुझे नम्र बनाऊँ। कुछ बातें तेरी ज़िंदगी में मैं होने देता हूँ ताकि मैं तुझे मजबूत करूँ। कुछ बातें मैं तेरी ज़िंदगी में होने देता हूँ, कुछ प्रार्थनाओं को मैं रोके रखता हूँ, कुछ उत्तरों को मैं रोके रखता हूँ, कुछ बातों में मैं तुझे धीरज धरना सिखाता हूँ, सहन करना सिखाता हूँ, सहनशील मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, ताकि जब तू आगे बढ़े, ताकि जब तेरे ऊपर महिमा का मुकुट रखा जाए, ताकि जब तेरी महिमा हो, जब तेरी गवाहियाँ बने, तो लोगों की जिंदगियाँ बदले, हालात बदले, परिस्थितियाँ बदले, उनका उद्धार हो, तेरी गवाहियों के दौरान को छुटकारा हो, चंगाइयाँ हो, आशीष आए, बरकत आए, उनके आंसू की सुधि ली जाए, उनको जीवन मिले, उनकी आशा ना टूटे, तेरी गवाहियों के द्वारा उनका हियाव बढ़े, उनकी ख़राब ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी में बदल जाए, जो सुसाइड करने जा रहे थे वो तेरी गवाहियों को सुनकर एक ही आप पाएँ और अच्छे जीवन को जिएँ, वो खुद बचे औरों को बचाएँ। मैं तेरी गवाहियों को मजबूत कर रहा हूँ। तुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। तुझे महसूस होता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। तुझे लगता है कि मैं तेरे नहीं सुनता, लेकिन मैं तेरी सुनता हूँ। तुझे दिखाई देता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। मेरी बुद्धि अगम है, मुझे काम करने दे और चुप लगा, और चुपचाप से मेरी महिमा को देख। मैं करूँगा, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, देख मैं तुझे छूता हूँ। मेरा अभिषेक तुझ पर है, रो मत, मेरा आत्मा तुझ पर है, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तब तू मेरी महिमा को देखेगी, मेरी महिमा को देखेगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझे टूटने दिया, बिखरने दिया, अकेला होने दिया, रोने दिया, चुप लगाने दिया, नम्र रहने दिया। मैंने बहुत बार तुझे खाली होने दिया, बहुत बार तुझे अकेलापन देखना पड़ा, बहुत बार तुझे कंगालपन देखना पड़ा, बहुत बार तुझे सताव को देखना, सहना और सुनना पड़ा, ये सब होने दिया। ये सब कुछ मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है, लेकिन इनके बाद जब तेरी महिमा होगी ना, तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएगी और तुझे दंडवत करेगी। मैं अपने आप को, अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट करूँगा, तेरी गवाहियों के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करूँगा, ताकि जब भी कोई सुनेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। ये बात तुझे नहीं पता है कि किन बातों के द्वारा तुझे तैयार किया जाए, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि तुझे मेरे हाथों के द्वारा बनाया गया है। मुझे पता है कि किस समय किस तरीके से क्या तेरे लिए बेस्ट है, क्या तेरे लिए नेक्स्ट है, वो सब मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। ताकि ये सब बातें तेरी ज़िंदगी में इसलिए होने दी मैंने, ताकि तू उन सब लोगों के दुखों को समझ सके, महसूस कर सके, जान सके, जिनके सामने मैं तुझे भेजने जा रहा हूँ, ताकि तू जब उनके लिए दुआ करे, ताकि जब तू उनके लिए भविष्यवाणी करे, ताकि जब तू उनको वचन सुनाए, ताकि जब तू उनको गवाहियाँ सुनाए, तो उनकी आशा कभी ना टूटे, उनका विश्वास मजबूत हो और वो विश्वास में आए और उनकी ज़िंदगी में उद्धार आए, छुटकारा आए, वो अनंत जीवन पाए तेरी गवाहियों को सुनकर। ये तुझे नहीं पता है, मुझे पता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो मेरी दृष्टि में अनमोल प्रतिष्ठित है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ, सब कुछ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी बाट जो, मेरा इंतजार कर मेरी बेटी, मेरे बच्चे। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये तकलीफ, ये समस्या सदा नहीं रहेंगी, इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित हूँ। आमेन।